सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। और ये चीजें बहुत अच्छी है क्योंकि आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो आपको कुछ चीज करने की या कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। मेरे सीजन में जो जीता था वो भी डिजर्विंग नहीं था, मैं जीत गया तो क्या, अब क्या ही बोले, अब क्या करें। अभी हम लोग मेकर्स का मेरा मुद्दा यही है कि गलत है ये। और इस चीज में अगर मतलब हम लोग बात करें, एक तरफ कोई टिकटॉकर आया हुआ है और एक तरफ जेनिफर या फिर मिया शर्मा या बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार आए हुए हैं, तो फिर तो टिकटॉकर जीतेगा तो उनकी तो बेचारों की इज्जत ही नहीं रही। मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि टीवी को टीवी तक आप रहने दो ना, उसमें क्यों यूट्यूबरों को घुसाते हो, क्यों आप। मैं पर्टिकुलर किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मैंने बोला यार आप इतने फेमस हो और आप क्यों नहीं बिग बॉस जाते, तो उनका रिएक्शन पता क्या था, मैं बिग बॉस कौन जाएगा ऐसा। बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ बी फ्रैंक, मेरी शिव से बात होती है, अब्दू से मेरी बात होती है, अभी हम लोग दुबई गए थे तो yes. अब्दू मिला था, हाँ तो उन लोगों से मेरी बात हो जाती है कभी कभी, जैसे मिलते हैं। बट हाँ जो मेरे खुद के फ्रेंड्स थे वो तो भाई, और आज भी जो दिल में है वही मुंह पे है, किसी को बुरा लगता है लगे नहीं लगता, मेरी ठेकेदारी थोड़ी ना है। हेलो अर्चना, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम भी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। वेल अर्चना, आपकी जिंदगी को हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, चाहे बात हो जाए मॉडल की, राजनीति की, म्यूजिक वीडियो की, बिग बॉस की। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं, आप कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है? मेरी लाइफ में जब से मैं बिग बॉस से निकली हूँ, मतलब चेंज ही चेंज है, मतलब लाइक चाहे वो खुद में हो, चाहे वो अपनी पर्सनैलिटी में हो, चाहे वो कहते हैं वेट में हो, या मतलब किसी भी तरीके, चाहे काम में हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिग बॉस ने मुझे इतना अच्छा मंच दिया। उससे निकलने के बाद मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और मैं दिन पे दिन इम्प्रूव करते जा रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। अगर आपसे पूछा जाए कि आज आप जिस मुकाम पर है, क्या आप उससे सैटिस्फाइड है, हाँ। तो क्या कहेंगे आप उस पर? देखो पता है क्या होता है, इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे उसे कुछ भी मिल जाता है। आप जैसे मैंने 2020 में एक प्रे करा था कि भगवान भगवान मेरे पास ना 1 करोड़ रुपए आ जाए, प्लीज 1 करोड़ रुपए आ जाए, 1 करोड़। मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, बट फिर भी अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 50 करोड़ चाहिए। तो कभी इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे वो अपने काम से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने नाम से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो। और ये चीजें बहुत अच्छी है क्योंकि आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो आपको कुछ चीज करने की या कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पाने का जो मजा है ना, जो सीढ़ियां होती हैं उसको चढ़ने का जो मजा है वो अलग है। अर्चना, अभी तो काफी जमाना बदल गया है, बट पहले ऐसा होता था कि बेटे को ही सब कुछ माना जाता था जी, लेकिन बेटी होने के बावजूद भी आपने काफी कुछ अचीव किया, अपनी फैमिली के लिए काफी कुछ किया, जैसे अभी रिसेंटली आपने घर लिया जी। तो अब आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं, मतलब आपको आपकी फैमिली कैसा ट्रीट करती है, या कैसा रिस्पांस मिलता है रिश्तेदारों से, हाँ। या नेबर से, फ्रेंड्स से? एक्चुअली पता है मेरी मम्मी का ना एक सपना था कि उनका खुद का घर हो, तो हमारा खुद का घर नहीं है ना होम टाउन में ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में जॉब करते थे तो पुलिस की तरफ से एक क्वार्टर्स मिलते थे हम लोगों को। तो मुझे था कि मम्मी का एक ही सपना है लाइफ में, मतलब वो मेरा कि मैं आगे बढ़ूँ वो तो था ही, बट एक घर था। तो मैंने कहा पहले ना मुझे सबसे पहले अपने सपनों से पहले मुझे अपनी मेरी माँ का सपना पूरा करना है। तो मैंने उनको एक घर दिया, मैंने कहा मम्मी लो और ये तुम्हारे ही नाम पे रहेगा, तो तुम इसका कुछ भी मतलब लाइक कर सकती हो। तो वो मैंने दिया, कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अब मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया, अब मेरा मर्सिडीज का सपना मैं पूरा करूंगी। तो मम्मी ने कहा अब तू अपने कोई भी सपने पूरे कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मेरा सपना तूने पूरा किया। तो मुझे मतलब लाइक लाइफ में क्या होता है कि आप सबसे ज्यादा क्लोज अपनी माँ के होते हो, क्योंकि आपकी जो माँ है ना आपको अंदर से जानते हो ना, आप कुछ अगर आप सैड भी हो रहे होते हो तो माँ को पता चल जाता है वो आप सैड हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मेरी इतनी सारी खुशियों में मेरे साथ थी, तो मेरा फर्ज बनता है उनको खुशी देने का। और ये खुशी पॉसिबल कैसे हुई,
जो भी बिग बॉस का पेमेंट था, जो भी एंटरटेनमेंट रात हाउसफुल का पेमेंट था, और जो खतरों के खिलाड़ी से जो मुझे बहुत बड़ा अमाउंट जो मिला, उन सबको जोड़ जोड़ के मैंने अपना एक प्यारा सा छोटा सा आशियाना खरीदा मुंबई में। तो सच में आज अगर बिग बॉस ना होता तो मैं ये सपना अपनी माँ का पूरा नहीं कर सकती। जैसे कि हमने आपको क्लोजली देखा है, हाँ, जिस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की है, एक बैरियर हो जाता है कि एक लड़की स्क्रीन पर आए, इतनी बोल्ड दिखे या अपने आप का थॉट प्रेजेंट करे, अपनी सच्चाई से अपने आप को दिखाए, या आज भी यू नो लैक कर जाता है, राइट। तो उस टाइम पर क्या चेंज, मतलब उस टाइम पर कैसा था वो माहौल और कैसे आपने उन सब चीजों को कोप अप किया और इतना आगे आए हैं आप? मुझे पता है क्या होता है, ये मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी के साथ होता है, स्पेशल लड़की के साथ बहुत होता है, क्योंकि लड़कियों को ना हर चीज़ में जज किया जाता है। चाहे वो लड़की ड्राइविंग भी कर रही होती है ना, तो वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, लड़की ठोकेगी। तो वो जो मेंटालिटी है ना, लोगों की, सोसाइटी की जो मेंटालिटी है, उसको समझना पहले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम में हमारे जो लाइक सोसाइटी है, जो हमारे लोग हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी आपको ना जज करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप मेल को इक्वल कर रहे हो तो आपको वुमन को भी इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्ट्रांग है। और मेरी लाइफ में क्या हुआ है कि स्टार्टिंग से ही मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, मैंने हर सिचुएशन को फेस किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कैसा भी हो, बट अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से ना फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे अपना काम दिखता है, मुझे मेरा फोकस दिखता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को अपना एक फोकस बना के उस चीज़ पे काम करना चाहिए, फिर चाहे सोसाइटी क्या बोल रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई आपका घर चलाने नहीं आता। अच्छा अर्चना, आपने पंजाबी गाने किए हैं, हिंदी वाले भी किए हैं, और दोनों इंडस्ट्री में आपने काम किया है। आपको क्या लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करना ज्यादा पसंद करती हैं? देखो मेरा क्या है, मुझे काम करना है, फिर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो साउथ हो, पंजाब हो, या फिर अपना बॉलीवुड हो, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि मैं काम करूँ, मैं एंटरटेन करूँ, जहाँ से भी मुझे मतलब लाइक सुविधा मिलती है, जहाँ से भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को मैं कैश करूँ। तो मेरा मतलब मकसद यही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, अच्छे प्लेटफॉर्म पर करना है, ये नहीं कि कुछ भी करना है, बट हाँ जो भी करना है एक मतलब बहुत सोच समझ के चीजें करनी है और अच्छा करना है। अच्छा, अगर आप मॉडल नहीं होती, हाँ, तो उसके अलावा क्या बनना पसंद करती? मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी और मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना था, और क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे तो मेरा भी सपना था कि मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। और तैयारी करते करते सिचुएशन ऐसी खराब हुई कि मैं जॉब करने लग गई, फिर साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता था। तो फिर उस दौरान ही मैं मतलब मुंबई जैसी नगरी में मैं आई, और फिर मुंबई ने मुझे ऐसे सपने दिखाए कि मैं सपने देखती रही। सोचा नहीं था कि कभी पूरे होंगे, बट रियलिटी ये है कि अगर आप सपने देखोगे तो सच में पूरे होते हैं। मैंने दिल से सपने देखे, जो देखे। मेरा सपना था कि मुझे बिग बॉस में जाना है, कभी ना कभी तो जाना है। मुझे नहीं पता वो सिचुएशन क्या बनी जिसकी वजह से मेरे को बिग बॉस से कॉल आया, और लोगों का मतलब इतना प्यार पाया बिना। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं बिग बॉस में गई थी, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब थी, और मेरे हाथ में कुछ 3 लाख रुपए थे, और वो 3 लाख रुपए मैं मम्मी को देके गई थी कि मैं मम्मी 3 महीने के लिए मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, तो 1-1 लाख रुपये हर महीने का खर्चा मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो मैं 3 लाख रुपये देके गई थी। मुझे नहीं पता जब मैं बिग बॉस से बाहर निकलूंगी वो 3 लाख के 30 लाख बन गए, फिर 40 फिर 50, मतलब इतना चीजें हो गई। तो मेरे पास मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि मैं पीआर करा सकूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पीआर का मतलब क्या होता है, और मुझे कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरे पास कोई टीम भी नहीं लगी थी जो मेरे रील्स कट करके मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दे। तो मुझे नहीं पता मेरा नाम कैसे हुआ, लोगों ने कितना पसंद किया, बिना किसी पीआर के, बिना किसी 1 रुपया नहीं फूका पैसे से, कुछ भी नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ना मैंने गेन की है लाइफ में, और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना है, और ऐसे ही मुझे अच्छी अच्छी चीजें करनी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर में आपने अपनी असली पर्सनालिटी दिखाई, इस वजह से लोगों ने आपको पसंद किया? राइट,
मुझे ऐसा लगता है. और मुझे लगता है कि बिग बॉस इज अ रियलिटी शो और उसमें रियल रहना ही आपका सही है. कुछ लोग थे मेरे सीजन में जो कैमरे के सामने रंग बदलते थे तो भाई मैं तो नहीं ऐसी थी, क्योंकि अगर मुझे रंग बदलना होगा तो मैं भी सो कॉल अच्छी बनने की कोशिश करती, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. जो दिल में और आज भी जो दिल में है वो ही मुंह पे है. किसी को बुरा लगता है, लगे नहीं लगता, मेरी ठेकेदारी थोड़ी ना है. तो मैं ऐसी हूँ. और मैं इनफैक्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लड़की को ऐसे ही रहना चाहिए, बोल्ड बिंदास, कि कोई उसका ना यूज ना कर पाए, कोई उसको नीचा ना गिराए, समझ लो. क्योंकि होता है हमारी जो सोसाइटी है उसमें लड़कियों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, ये तुम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ गर्ल आपको खुद का स्टैंड भी लेना पड़ेगा, अपने माँ बाप का भी स्टैंड लेना पड़ेगा और आप फैमिली फ्रेंड जो भी है उनका भी स्टैंड लेना पड़ेगा. तो मेरे लिए तो बेस्ट जर्नी थी बिग बॉस की. अर्चना आपको लोग प्यार तो बहुत करते हैं. हाँ. बिग बॉस में भी देखा था, खतरों में भी देखा था. एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है आपके अंदर. जी. बट ऐसा कहते हैं ना कि जब आपको लोग प्यार कर रहे होते हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको हेट देने के लिए भी तैयार होते हैं. वो दूसरों के फैंस होते हैं, जो उनके फैंस होते हैं ना, जो मतलब जिनसे मतलब नहीं होता उनके फैंस हेट करते हैं. बाकी नॉर्मल लोग तो बहुत जाके एयरपोर्ट पे देखना, चाहे दुबई चल रहा मेरे साथ तो पता चलेगा दुबई की जो वुमेन्स है, अरेबिक वुमेन, पागल है. मतलब समझ रहे हो, कहते हैं अर्चना यार क्या हो तुम यार, मजा आ गया. तो वो फैंस आप बोल रहे हो ना, वो फैंस फैंस है उनके. तो आप ये क्रिटिसिज्म हैंडल कैसे करते हो? यार पता क्या है, मैं जब बिग बॉस से निकली थी ना तो वो जो सो कॉल्ड फैंस, किस किस के फैंस है ना, वो भाई कमेंट क्या है यार, ये क्या है, मैं डिप्रेशन में आ गई. मतलब कभी कभी आपको ऐसा मन करता है यार मर जाओ, मतलब समझ लो नस वस काट लो और मर जाओ. फिर मैंने कहा इन सालों के लिए मरूंगी मैं, क्या दिया है इन्होंने मुझे, घर चलाया गया मेरा, उनको भूल गई क्या, जो जब मैं जाती हूँ बाहर और गाड़ी में से लोग हाई करते हैं अर्चना यार ये वो. मैंने कहा उनको देखूं, वो छोड़ो मैं अपनी माँ को देखूं. मेरी माँ ने सपना देखा, उनके अभी तो एक ही सपना पूरा किया है मैंने घर का भी, तो मेरी मम्मी के पास कितने सपने बाकी होंगे जो मुझे पूरे करने हैं. मैंने कहा छोड़ो ये सब नेगेटिविटी है, तो मैं उस नेगेटिविटी से निकलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था. और ये मेरे साथ नहीं होता, जो भी बिग बॉस करके आता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो रहता ही है. मतलब आपको काम मिले तब भी प्रॉब्लम डिप्रेशन, और आपको काम ना मिले तब भी. तो मुझको वो अपने सर पे हावी नहीं करना था, तो मैं उस चीज से निकल गई. और फिर मुझे अब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, क्योंकि मैं अभी कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ कि क्या है. क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे हिंदुस्तान की, मुझे वर्ल्ड की मम्मियाँ प्यार करती हैं, मुझे नंदे प्यार करती हैं, लड़कियाँ प्यार करती हैं, लड़के प्यार करते हैं, बुजुर्ग प्यार करते हैं, और क्या चाहिए लाइफ में. क्योंकि मैं सच्ची थी, मैं कैमरे के सामने फेक नहीं बनी या मैंने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं की, जो था मुँह पे था. और अकेली सिंगल लड़की थी, बाकी सब वहाँ पे जो भी था ग्रुप ग्रुप जो भी था वो, बट मैंने अपने अकेले दम पे बिना किसी पीआर बिना किसी उसके यहाँ तक अपनी रिस्पेक्ट कमाई सारी चीज़ें. ये चीज़ मुझे कब पता चली, पहले तो मैं बिग बॉस से निकली तो बहुत वो थी मैं बाहर आके. जिस दिन मैं एयरपोर्ट गई और जो एयरपोर्ट में जो मतलब लोग वहाँ तो न्यूट्रल जनता होती है जो इंस्टा पे बहुत कम होती है या नहीं होती है, और गाँवों में इंस्टा पे नहीं इंस्टा यूज नहीं करते. तब मैंने जाना ओ माय गॉड अर्चना तूने क्या कमाया है. अभी मैं दुबई गई थी सीसीएल के लिए, वहाँ पे अरेबिक वुमेन बोलती है कि हमने बिग बॉस 16 देखा आपकी वजह से, और क्या चाहिए लाइफ में, कमा लिया इतना और आगे कमाऊंगी. अच्छा बिग बॉस 16 के बाद किसी से आप टच में हो, जेनुइन किसी के साथ बॉन्ड है अभी भी? मैं क्या बोलूं अब मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो अंदर दिख रहा था ना वो सब फेक होता है. वो मतलब दोस्ती जो करते हैं बाहर आने के बाद सब ऐसा पानी की तरह फैल जाते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उनके दोस्त चले गए तो उनको अकेलापन लगा, तो उन्होंने मेरा बहुत यूज किया कि चलो अर्चना हंसी मजाक करेंगे, अर्चना टॉप 5 में तो जा रही है, हम भी चल जाएंगे पीछे पीछे. और बाहर आने के बाद देखो भैया ना कॉल ना कुछ ना अनफ्रेंड तक कर दिया. तो मैं ये एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रही हूँ,
मेरे थे दोस्त कुछ, तो फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों पड़ेगा फर्क माए, ठीक है गिव एंड टेक था, तुमने यूज किया ओके, मुझे भी तुम्हारे जरिए हंसने का बहाना मिल गया, वरना मैं दीवारों से हंसती थी क्या, या मैं बिग बॉस से थोड़ी ना करती थी, तो ठीक है ओके चलता है लाइफ। बट हाँ बिग बॉस ने बहुत सबक सिखाया है। और रही बात दोस्त की, जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि तुम दोस्त नहीं बना सकती हो, प्यार नहीं बना सकती, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने खतरों के खिलाड़ी किया तो उसमें मैंने इतने दोस्त कमाए हैं, आई थिंक एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिससे मेरी बात नहीं होती, चाहे वो अर्जित हो, चाहे वो अंजलि हो, अंजुम हो, रूही हो, मेरी दो मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ऐश्वर्या, नायरा जो मेरी आज भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ये कमाया है। मतलब आज भी मैं उन लोगों के लिए, मतलब मेरा हफ्ते में एक दो बार बात ना हो तो मेरा दिन ही नहीं कटता, उनको चाहिए मुझे गॉसिप्स करनी लड़कियों में, तो मतलब वहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जिससे, हाँ मतलब एक का होगी एक ही होगी, मतलब कोई भी उससे थोड़ी कम बात होती है, बट इनफैक्ट सबसे ही मेरी बात होती है। और हाँ बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ, बी प्राइम मेरी शिव से बात होती है, अब्दू से मेरी बात होती है, अभी हम लोग दुबई गए थे तो अब्दू मिला था, हाँ तो उन लोगों से मेरी बात हो जाती है कभी कभी जैसे मिलते हैं। बट हाँ जो मेरे खुद के फ्रेंड्स थे वो तो भाई, क्या आप प्रियंका के बारे में बात कर रहे हो, नागराज थे, नागराज जो भी हो, बहुत दो दोस्त तो थी मेरी ना, बस उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। बट प्रियंका के साथ आपका जो बॉन्ड था बिग बॉस में वो बहुत पसंद भी किया जाता था, थोड़ी नोकझोंक हुआ करती थी, बट आप लोग फिर एक बार आ जाते थे और पीपल यूज टू फील रिलीव कि अच्छा चलो वापस आ गए, इनकी दोस्ती बरकरार, एंड लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बिग बॉस के बाहर भी इनकी दोस्ती एज इट इज रहेगी, राइट, बट सीम्स लाइक ऐसा नहीं हुआ। पता क्या होता है कि जब क्या बोले, अंदर आपके पास ना कुछ चीजें ऑप्शंस नहीं होता है, तो आपको वो चीजें करनी पड़ती है। असली दोस्ती तब पता चलती है जब आप बाहर आने के बाद भी उसको मेंटेन करें, सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड ना रखें अपने दोस्त के साथ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि शायद मतलब लाइक क्या बोल सकते हैं, डेस्टिनी में था, ठीक है। देखो पता क्या होता है, इंसान की ना नीड होती है, आपको ये नहीं पसंद ओके आप चले जाओ, आप उसको ना ऐसा घेर के मत रखो, तो ठीक था एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, अभी पागलों की तरह बार बार थोड़ी ना वो चीजें होंगी, ठीक है आपको नहीं चीजें, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि मुझे अगर दोस्ती चाहिए तो मुझे 100% चाहिए भाई, मेरे को वो फॉर्मेलिटी वाली नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है फोन पे बात कर रहे हैं, हेलो अगर हम लोग कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहाँ पे आप तल्टी मार लो, तो वो मुझे नहीं चाहिए। आप दिल से दोस्त बनो तो बनो, अदरवाइज नहीं। आप अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हो गए थे फिजिकल पेन के कारण, तो दवा तो चलती है बट आपको अपने आप को भी स्ट्रांग रखना पड़ता है कि कैसे हम इससे ओवरकम कर जाए, तो उस टाइम पर आपको ऐसा क्या मोटिवेशन मिला कि आप उससे ओवरकम कर पाए? मुझे नहीं पता था ये क्या हुआ था, मुझे टाइफाइड हुआ था और ये 9 दिन तक का था, और उसके बीच में मेरा एक गाना आ गया जो मुझे जम्मू कश्मीर करना था ठंड में, यानी जनवरी के महीने में, और मैंने सोचा कैंसिल कर देती हूँ, अगर वो नॉर्मल गाना होता तो शायद कैंसिल कर देती, पर वो भगवान का गाना था, श्री राम का गाना था, तो मैंने वो कैंसिल नहीं किया। मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे वो मंदिर में घुसने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं अर्चना तुझे करना है, तू जब मर भी रही होगी ना करना है, तो मैं तड़पती हुई मतलब ड्रिप लगा के जस्ट निकाल के मैंने शूट वहाँ पे किया, और वो गाना इतना अच्छा बना है कि कहीं से भी मैं बीमार लगी नहीं रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको ना हर सिचुएशन में ढलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही चीज मैंने की। अच्छा हमने अक्सर देखा है कि एक चीज तो है कंसिस्टेंट रही है, हाँ। कि आप हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि मैं कैसे किसी की मदद कर दूं या मैं कैसे किसी की हेल्प कर दूं, पर वो कंसिस्टेंट रखना कि वो काइंडनेस कंसिस्टेंट रखना वो कैसे आप कर पाते हो? यार वो पता क्या होता है आपका ना अंदर से होता है, मतलब कोई ना जैसे अभी मैं बताती हूँ, देखो मैं ना कुछ चीजें दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ना ये शोशेबाजी दिखाना सच में नहीं पसंद है, वो पैप्स को लेके जाते हैं ना कुछ लोग और पिज्जा बांट रहे हैं, केक बांट रहे हैं, कॉपियां बांट रहे हैं और चेक दिखा रहे हैं कि मैंने इस संस्था में पैसे दिए हैं, तो वो शोशेबाजी सीरियसली मुझे नहीं आती करनी। इनफैक्ट मैं अभी बताती हूँ कि मैं पीछे से क्या करती हूँ,
एक्चुअली एक डॉग्स का एक ना वो है फॉर्म है जहाँ पे ना डॉग्स के पैर नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं उनको स्कूटर टाइप का कुछ बना के देते हैं, तो सारे वहाँ पे ना पूरे डॉग्स ही डॉग्स हैं। और एक संस्था ऐसी है जहाँ पे औरतें हैं जिनकी मम्मी पापा ने निकाल दिया होता है, सीधा गूगल पे लेती हूँ, ट्रांसफर कर दिया, उनके पास पहुँच गया। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई का कुछ परसेंट में उस चीज में मैं देती हूँ। तो मेरा जो करने, मुझे पता है ये सोशल मीडिया पे करना चाहिए, इनफैक्ट सब लोग मुझे बोलते हैं कि अर्चना तुम्हें करना चाहिए क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन भी तुमको ये सब चीजें करना चाहिए, बट मुझे ना सच बताऊं मुझे ये शोशेबाजी लगती है। इससे आपके फॉलोअर्स तो गेन हो जाएंगे या लोगों में सिंपैथी तो हो जाएगी, बट अंदर से वो लगता नहीं कि यार ये शोशेबाजी करने के लिए मैंने ये सब किया है क्या, तो मुझे वो थोड़ा सा ना अलग लगता है। बट पता नहीं क्या पता फ्यूचर में मैं भी करने लगूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, थोड़ा शोशेबाजी करना बहुत जरूरी है, बट अभी तो दिल नहीं गवा करता। अच्छा, बैक टू बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस 16 के बाद बिग बॉस OTT आया। हाँ, फिर बिग बॉस 17 आया, क्या आपने दोनों भी सीजन फॉलो किया? नहीं, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ सच में। अच्छा, ये वाला जो सीजन था बिग बॉस 17, इसमें तो ऐश्वर्या भी थी, नील भट्ट थे। हाँ, ये थोड़ा बहुत तो आपने देखा होगा क्या? मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में देखा था, बट फिर बोर होने लगी थी, मैंने नहीं देखा। विनर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जैसे OTT में अल्पेश यादव जीते थे एंड अभी मुनव्वर जीते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि दे आर डिजर्विंग? फिर वही सवाल जो मैंने आपको बिग बॉस के वक्त पूछा था कि क्या ये डिजर्विंग है? मेरे सीजन में जो जीता था वो भी डिजर्विंग नहीं था, वो जीत गया। तो क्या अब क्या ही बोले, अब क्या करें, अभी हम लोग मेकर्स का मेरा मुद्दा यही है कि गलत है ये। और इस चीज में अगर मतलब हम लोग बात करें, एक तरफ कोई टिकटॉकर आया हुआ है और एक तरफ जेनिफर या फिर निया शर्मा या बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार आए हुए हैं, तो फिर तो टिकटॉकर जीतेगा, तो उनकी तुम चारों की इज्जत ही नहीं रही, ठीक है? तो मुझे लगता है ये गलत है। और इनफैक्ट मेरा जो राय है, मैं पहले भी राय दे चुकी हूँ और अभी भी मैं ये राय दे रही हूँ कि जो मेकर्स है या जो भी है, मुझे नहीं पता टीम, देखो बोलना सही नहीं है, बट सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आर्टिस्ट होता है वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, आज उसको कुमकुम भाग्य या कोई सीरियल मिला है उसकी मेहनत से मिला है, उसने वो एक्टिंग क्लास की, उसके लिए पढ़ाई की, ऑडिशन के लिए उसने धक्के खाए, तब जाके उसको काम मिला। उसको ये नहीं मिला हाय गाइस दिस इज माय वॉशरूम आई एम गोइंग टू पू सी यू सून लेट्स बाय बाय ही शी इज माय मॉम शी इज माय वी आर गोइंग टू हनीमून फलाना ढिंका, ये सब नहीं करके उन्होंने अपना फॉलोअर्स कमाए हैं। तो अगर हम लोग इस जगह पे जैसे कि किसी को भी रख सकते हैं, लाइक निया शर्मा रख लिया, जेनिफर रख लिया, करण रख लिया, कोई भी और भी रख दो, और इधर रख दो सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स, तो मतलब आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत से आए हैं। तो वही चीज़ होती है, तो मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि टीवी और टीवी तक आप रहने दो ना, उसमें क्यों यूट्यूबरों को घुसाते हो, क्यों आप, मैं पर्टिकुलर किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। OTT है, आप OTT को ऐसा बना दो कि उसमें यूट्यूबर भी जाए, टिकटॉकर भी जाए, और जो वैसे ही मेट्रो में डांस करके फेमस हो जाते हैं ना वो भी जाए, ठीक है? या अभी आजकल चल रहा है वो शादी, ऑनलाइन शादी हो रही है ना, सिंदूर लगा रहे हैं वो, ओ माई गॉड, वैसे लोग उसमें आप रखो ना, उसमें मजा आएगा लोगों को देखने में, जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखेगा यूट्यूब पे, ठीक है? आपको मतलब मेन वाले में वो सब चीजें डाल देते हो और फिर उसके बाद में जो मेन सेलिब्रिटी होता है उसका तो कचरा हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लगता है कि टीवी को टीवी तक रहना चाहिए टीवी वाले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बिग बॉस है इनको लगता है, इनके मेकर जो क्रिएटिव्स होते होंगे उनको शायद ये लगता है कि यूट्यूबरों को लाके या टिकटॉकरों को लाके हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, और जबकि सबसे बड़ी गलत फहमी यही है कि आपकी गलत फहमी सिर्फ यही है कि आपको लगता है कि उनके वजह से आपका शो चल रहा है, जबकि गलत है। बिग बॉस का एक अलग ऑडियंस है और वो ह्यूज ऑडियंस है, आप समझ रहे, आप यूट्यूबर ऊपर को लाके अपना ऑडियंस कम कर रहे हो, क्योंकि कोई नहीं देखता। अगर उसमें सेलिब्रिटी होगा तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हर किसी को सेलिब्रिटी की लाइफ में जानने में बहुत मजा आता है कि
कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या चीज करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की लाइफ तो यूट्यूब पे डली ही रहती है डेली, उनके डेली 3 व्लॉग वगैरह डलते होंगे, तो उनको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही था कि टीवी को टीवी तक रखो, ओटीटी में कुछ भी करो। अर्चना ऐसा होता है जस्ट गिविंग माय ओपिनियन कि जो यूट्यूबर्स और जो टिकटॉकर्स हैं जो ब्लॉग्स बनाते हैं उनकी जो ऑडियंस होती है वो उनको ग्राउंड लेवल से जानती है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी उनके सामने रख कर दिखाते हैं। वेयर एज जो एक्टर्स हैं जो सेलिब्रिटीज हैं वो ये नहीं करते हैं, उनका स्क्रीन प्रेजेंस तक ही रहता है, वो स्क्रीन पर ही दिखते हैं, तो इस वजह से वो ग्राउंड लेवल मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उनसे, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और ये भी बात सही है, और मैं आपको ना सेलिब्रिटीज के रिएक्शन भी दिखाती हूँ। अभी मैं कहीं गई थी, मैंने बोला यार आप इतने फेमस हो और आप क्यों नहीं बिग बॉस जाते, तो उनका रिएक्शन पता क्या था, मैं बिग बॉस कौन जाएगा ऐसा। बट अभी आपने ये सोचा ये रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जब इतने सारे समझ रहे हैं आप मैं बात जो कर रही हूँ वो होएगा उनके साथ, मतलब समझ रहे हो, आपकी एक बंदा अगर गंद बन रहा है तो कोई दूसरा गंद नहीं बन सकता, तो शायद यही रीजन रहा है जो बोलते हैं कि हमें मुझे 5 साल से ऊपर है मैं नहीं कराऊंगी। और अभी जैसे कि अभी कुछ रिसेंट बिग बॉस की बात है, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए, बाहर आने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसको देख के भी इमेज खराब होगी या जो भी है ऐसा है। बट मुझे देखो मैं आई हूँ, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इनफैक्ट मुझे तो काम भी मिल रहा है, मेरा नाम भी हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। बट प्रॉब्लम यही होती है, देखो मेरे सीजन में देखो ना आप डिजर्विंग जो लोग थे वो टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 में रह गए, और जो बोल रहा था कि मुझे भैया नहीं जीतना, मुझे भैया घर भेज दो भैया सब चीजें, फिर जब लास्ट का 1 महीना आया, चलो ठीक है अभी 3 महीने तो कट गए, चलो 1 महीना और काट गए वो चलिया, तो फिर तो ये सब चीजें ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, अगर एक एपिसोड में कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ गया और उसमें कोई बड़ा यूट्यूबर आ गया 20 मिलियन वाला, और वो सेलिब्रिटी की 1 मिलियन है और उसकी पहुंच बहुत है, चलो मैं विक्रांत मेसी की बात करती हूँ, वो आ गया और एक जगह वो, तो यानी यूट्यूबर बड़ा हो जाएगा या टिकटॉकर बड़ा हो जाएगा विक्रांत मेसी से, विक्रांत मेसी ना, तो आप उसको उससे कंपैरिजन क्यों करते हो, तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं होना चाहिए। अगर कभी आपको फिर एक बार मौका मिले बिग बॉस में जाने का एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट तो क्या आप जाएंगी? हाँ देखो मैं बिग बॉस के लिए रेडी हूँ, आज जो मेरा नाम है, आज जो मैंने घर लिया बिग बॉस की वजह से लिया है, उनके पैसों से लिया है और खतरों के खिलाड़ी से, तो एंडेमोल का और कलर्स का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनके साथ हमेशा लॉयल हूँ और लॉयल रहूँगी, जब भी उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा 100% उनके साथ खड़ी रहूँगी, तो ऑफकोर्स मैं मतलब हमेशा उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि वो मेरे मेंटोर वो चीज है। अर्चना आप सिंगल है? सिंगल ही लग रहे हो वैसे तो। यस मेरा इस बार का वैलेंटाइन डे भी बिल्कुल वाहियात बीता है, ठीक है, मुझे किसी ने गुलाब भी नहीं दिया है, ठीक है, तो यस। बट अर्चना लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको कोई ना कोई साथी चाहिए होता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो अभी मुझे ना एक लड़के से ना अटैचमेंट हुआ था, बट अफसोस ये था कि होता है ना कहते हैं कि पहले मेरा था कि एमपी, तो शायद वो एक चीज़ हो गया कि शायद मैं किसी गरीब को नहीं पसंद कर पाऊंगी या मैं किसी स्ट्रगलर को नहीं पसंद कर पाऊंगी या कुछ भी है, तो मेरे साथ ना वो चीज़ें बड़ी आ जाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, लाइफ में जब कभी कोई आएगा तब देखेंगे, तो फिर मैं भी ना दूर हो जाती हूँ कि चलो इट्स ओके, क्योंकि एक लड़कों के ना एक मेंटेलिटी होती है कि यार ये तो सेलिब्रिटी है यार, इसको कैसे मैं हैंडल कर पाऊंगा या इसकी तो एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, बट वो ये भूल जाते हैं कि सेलिब्रिटी के अलावा हम एक लड़की हैं, हमको कोई इतना पैसे से कोई वो नहीं है या कोई इतना बड़ी चाहत नहीं है कि भाई मुझे बेंटले चाहिए या नहीं चाहिए, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, तो वो एक्सपेक्टेशन
लोग बोलते हैं अरे यार ये तो सेलिब्रिटीज पे तो कितने लोग मरते होंगे। भाई प्रॉब्लम यही है कि वो मरते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बट वो भूल जाते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, हम सेलिब्रिटी छोड़ दो, हम एक लड़की है नॉर्मल, हम हर चीज में ढलने के लिए तैयार है, बस दिल से तो प्यार करो। तो ऐसा सिचुएशन रह जाती है हर सेलिब्रिटी के साथ। क्या आपको कोई एक्सपेक्टेशन है किसी लड़के से कि लड़का ऐसा होना चाहिए? नहीं यार, पहले मुझे थी कि यार मुझे एमपी करना है, वो एक बचपना था जब मैं बिग बॉस में थी। अभी मैं धीरे धीरे मैच्योर हो रही हूँ तो मुझे चीजें पता चल रही है कि ठीक है यार पैसा आता ही है, ठीक है आता ही है, तो कोई इतना एक्सपेक्टेशन, बट हाँ ये कि यार प्यार नहीं आता है तो वो प्यार ज्यादा होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप विदाउट लव, दिस इज थोड़ा पर्सनल, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज की कमी है, मतलब प्यार की कमी है? हाँ बस उसी की कमी है, बस सच में कह रही हूँ। मतलब पैसा, देखो पैसे की भी कमी होती है इंसान को, बट इस टाइम इतनी मैं सेटल हो चुकी हूँ कि हाँ किसी से मांगना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, मतलब लाइक अपना है, घर हो गया। अभी मेरा अभी सेकंड सपना भी मैं जल्दी पूरा करूँगी, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू लेने का, तो मतलब लाइक इनफ है। बट हाँ कभी ऐसा मन करता है जैसे कि हॉलीडे पे लोग जाते हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी मालदीव जाऊं या मैं भी बैंकॉक जाऊं या फिर मैं भी लाइक लंदन जाऊं, यूरोप जाऊं अपने पार्टनर के साथ, और वो एक प्राइवेट मोमेंट जो होता है वो इंजॉय करूं। तो वो चीज़ मिस हो जाते हैं कि देखो अभी तो हमारी जवानी है, अभी हम इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापे में लेके जाऊंगी, तो वो थोड़ा सा अभी ढल रही है ना जवानी तो टेंशन हो जाती है। तो अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो क्या आपकी मम्मी से एक्सपेक्टेशन रखें कि वो आपके लिए ढूंढ दे? मम्मी कहाँ, मम्मी तो कहेगी एक काम कर इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा तो मेरी मम्मी तो बेचारी बहुत सीधी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता ढूंढने की बात नहीं होती, जब लाइफ में आना होता है सब लोग बोलते हैं अगर किसी तुम्हारी किस्मत में तो कोई लिखा होगा, भगवान जोड़ा बना के भेजता है, तो वही चीज है। तो जब भगवान ने जोड़ा बना दिया होगा तो बस जोड़े का वेट करते हैं। ओके, आई होप कि आपको जल्द वो मिल जाए और आप ऐसे ही खुश रहो उनके साथ भी। थैंक यू। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या, कहाँ पर हम आपको देख सकते हैं? कुछ आ रहा है कुछ? यस, सरप्राइज कुछ आ रहे हैं तो वो मैं जल्दी आपको अपडेट करूंगी, और शायद मे बी नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोगों का उसी पर हो, तो बस वेट करते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस। जल्दी से मैं आपको जल्दी प्यारी प्यारी गुड न्यूज दूंगी। Okay, lastly, any message for the lovely audience watching you? Yes, love you so much, my all fans, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत support करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, ऐसी इसी तरह से मुझे प्यार करते रहो, और इसी तरह से मैं आपको entertain करती रहूँगी, और जो दिल में है वो बोलती रहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक मतलब मुँहफट लड़की हूँ, कभी कभी कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ, तो प्लीज माइंड मत किया करो, दिल में बात छुपाना आता नहीं है। तो आप मुझे पता है आप उसी चीज पे मुझे पसंद करते हो, और उसी चीज पे आपने मुझे पसंद किया क्योंकि मैं एक दबंग लड़की हूँ, राइट? और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी भारत की सारी लड़कियां हैं उनको दबंग बनना ही चाहिए। ओके, एक आइकॉनिक डायलॉग आपने नहीं बोला। हाँ, क्या चल रहा है भैया? मारते मारते मोर बनाया किसी का नहीं ना, बनाया आपने किसी का ऐसा? सच में पर नहीं यार, कहाँ बनाया मैंने।